यही दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे अग्निवीर आर्मी का 2023-24 का मेडिकल कैसे होगा। अगर आपका भी अग्निवीर आर्मी का भर्ती है, अगर आपका भी मेडिकल है आने वाले समय में, जहां आप अग्निवीर बनना चाहते हो, आर्मी की भर्ती देखना चाहते हो, तो देख लो मेडिकल कैसे होगा। फुल मेडिकल वीडियो है जे, फुल बॉडी मेडिकल आपको बताएंगे कि क्या क्या चेक किया जाएगा, प्राइवेट पार्ट से लेके फुल मेडिकल आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या चेक आपका किया जाएगा, कौन से अंग से ज्यादा बाहर किया जाता है, कौन से अंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्या क्या आपको करके जाना है मेडिकल के समय, क्योंकि हमें खुद का 2 बार एक्सपीरियंस है, हमने 2 बार एग्जाम मतलब कि मेडिकल एग्जाम दिया हुआ है, तो हमें फुल जानकारी है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, फुल बॉडी मेडिकल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों आपको बताते हैं, तो मेडिकल जैसे आपका होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कटिंग करवा लेनी है। कटिंग आपको, अगर आपने दाढ़ी वगैरह रखी हुई है जहां बड़े बड़े बाल हैं, तो इस प्रकार जो अभी मैं दिखा रहा हूं, इस प्रकार आपको अच्छी फौजी कटिंग, जिसे आप आर्मी वाली कटिंग कहते हो, वो वाली करवा लेनी है, और दाढ़ी वगैरह साफ करवा लेनी है, और आगे पीछे नीचे से बाहर जो बाल हैं कट करके जाना है, सफाई करके जाना है अपनी आगे पीछे, समझ रहे हो मेरी बात, हर जगह से अच्छे अच्छे सफाई करके जाना है, कटिंग वगैरह करके जाना है, सिर पे अच्छी कटिंग होनी चाहिए, लगना चाहिए कि फौजी आ रहा है, फ्यूचर फौजी आ रहा है, कटिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल की, सिर से शुरुआत करते हैं कि सिर पे क्या चेक किया जाएगा। सिर पे अगर आपका, पीछे मैं दिखा रहा हूं, अगर आपके सिर पे ऐसा कुछ है, फोड़े फिंसी, या आपके सिर पे टांके वगैरह लगे हुए हैं, देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ है, सिर में कोई प्रॉब्लम है, अगर अंदरूनी प्रॉब्लम है तो वो तो सामने नहीं दिखेगी, अगर सिर फटा हुआ है, फिंसी फोड़े हैं, दाब दबे हैं, तो दाब दबे मतलब सॉरी दगे बोल दिया मैंने दबे हैं, तो आपको एमएच मतलब कि रेफर पड़ जाएगा, सिर में अगर टांके भी लगे हुए हैं, स्टिचेस भी लगे हुए हैं, सिर साफ होना चाहिए, कटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके सिर में कुछ ऐसा है, तो अगर कुछ ऐसा है सिर में, तो कटिंग करवाने से बचें, फिर आप थोड़े लंबे लंबे बाल और अच्छी कटिंग, जिससे वो शिप जाए, कि कोशिश हो कि शिप जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फेस पर आ जाते हैं, अगर फेस पर पिंपल निकले हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिकल में, पिंपल है जो नॉर्मली है, इसमें ना ही कोई आपको रेफर पड़ेगा, अगर ज्यादा ही दब्बे हैं इतने इतने बड़े बड़े, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नॉर्मली पिंपल हैं जितने जो आपको फेस पर दिख रहे हैं इतने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आपका आईज का टेस्ट होगा, कलर विजन का, इस प्रकार की बुक होगी, ठीक है, और आपको जो पढ़ाई जाएगी इस बुक में, जो आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा, इस प्रकार के बर्ड होंगे, कोई कुछ भी बर्ड हो सकता है, 8, 9, 7, 6, 16, 17, 19, 20, कुछ भी, जहां पर जैसे जहां पर 8 है, जहां पर कुछ भी हो सकता है, ये आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, कुछ लड़कों से नहीं पढ़ा जाता है ये, इससे भी आपको रेफर पड़ता है, इससे सबसे ज्यादा रेफर पड़ता है, और ये सबसे मेजर है, अगर आपको आंखों से पड़ जाता है रेफर, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, उधर भी बहुत ही कम चांस है फिर आपके फिट होना। उसके बाद आंखों का दूसरा टेस्ट होगा, इस प्रकार आपको छोटे छोटे बर्ड एक आंख से, देखिए पहले जहां पर एक आंख से आपको ऐसे किया जाएगा, और इस आंख से लगभग 10 फीट दूर होगा, और ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरी आंख से पढ़ाया जाएगा, इसमें इतने लड़के नहीं चढ़ते हैं, देखिए इस प्रकार के बर्ड होंगे, पहले सबसे ऊपर बड़ा, छोटा, उससे फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, ऐसे होंगे ये भी पढ़ाए जाएंगे, अंकों के 2-3 टेस्ट होंगे, बाकी आपकी तार चलगा के अंक देखी जाएगी कि अंकों में कुछ आपका दाब दब्बा कुछ ऐसा तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों नाक की बात करें, नाक में सबसे पहले आपकी ये हड्डी देखी जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार की ये हड्डी है, ये देखी जाएगी, ये नॉर्मली ऐसा ठीक नाक होना चाहिए, अगर आपको अपने नाक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, देखिए जो फॉल्ट है ये सही है, ये देखिए ये इस प्रकार ये सही है, अगर आपको अपने नाक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जुकाम नहीं होना चाहिए, एक ऐसे करना है जो सांस है दोनों से सेम आनी चाहिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत है नाक में, इधर से भी काफी लड़कों को बाहर निकाला जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास अभी जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए अगर आपको फॉल्ट लगता है। उसके बाद कान के, लगभग कान के भी 2 टेस्ट होंगे, सबसे पहले एक बाहर से कान देखा जाएगा, कहीं कान की जे वाली हड्डी टूटी तो नहीं है, उसके बाद कान का अंदर वाला सिस्टम देखा जाएगा, सुनने वाला सिस्टम होता है जो, कि आपको दोनों कान से सही सुनाई देता है या नहीं, अगर आपके कान में कोई भी कुछ भी गंदगी हुई तब भी आपको बाहर रेफर कर दिया जाएगा, बाहर तो सीधा नहीं किया जाता है, रेफर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कान साफ करवा के जाना है, रैली से लगभग 10 दिन या 5 दिन पहले कान साफ करवाने हैं, उसके बाद अपना सिस्टम दिखाना है दोनों कानों का, कि हमें अच्छी तरीके से सुनाई देता है या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका मुंह का जो दांत है वो चेक किए जाएंगे, इस प्रकार दांत नहीं होने चाहिए, देख लीजिए इस प्रकार दांत आपके नहीं होने चाहिए, इस प्रकार के कोई भी दांत आपका नहीं होना चाहिए, अगर है, अगर आपके
दो से ज्यादा दांत टूटे हैं तब भी आपको रेफर पड़ जाएगा, अगर एक दांत टूटा है तो आपको रेफर नहीं पड़ेगा। और जो नॉर्मली दांत होना चाहिए, जो नॉर्मल दांत है जे वाला नीचे वाला, और दांतों में पीलापन भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ करके जाना, और मुंह से बदबू भी नहीं आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए और दांत पीले नहीं होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और इस प्रकार थोड़े एक दो आगे पीछे चलेगा, ये जो मैंने पहले जे वाली तस्वीरें दिखा रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर एक आधा टूटा हुआ है एक ऊपर नीचे तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपकी जीभ है व्हाइट कलर की जीभ, गंदगी नहीं होनी चाहिए आपकी जीभ पर, साफ करके जाना जीभ अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाजू, बाजू में सबसे पहले आपका एंगल देखा जाएगा, आपका एंगल देखा जाएगा, कैरी एंगल देखा जाएगा, जिससे आपको मैं बता दूं मुझे बाहर किया गया था, ये देखिए अगर इस प्रकार है तो आपको बाहर रेफर पड़ जाएगा, अगर इस प्रकार है तो रेफर पड़ जाएगा, अगर इस प्रकार है तो ये सही है, ठीक है, इस प्रकार बाजू होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपनी बाजू में फाल्ट लगता है तो दिखा देना, देखिए फिर से देखिए, जे नॉर्मल है, जे फाल्ट है, जे भी फाल्ट है, देख लीजिए आपकी कौन सी है। और उसके बाद आपकी फिंगर देखी जाएंगी, ठीक है, फिंगर में से मैं आप सबको बता दूं, कईयों लड़कों की जो फिंगर टूटी होती है, टूटी होती है, कईयों को खेलते समय जहां कईयों की आगे पीछे होता है, नाखून उड़ा होता है, काला होता है, उसका भी आपको रेफर पड़ जाएगा, नाखून वगैरह टूटा हुआ है तो आपको रेफर पड़ जाएगा, फिंगर आपकी दोनों हाथों की देखी जाएगी। और सबसे ज्यादा ध्यान इस पे और इस पे दिया जाएगा, थंब और पहली फिंगर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आपका शोल्डर चेक होगा, शोल्डर में आपको मैं बता दूं काफी लड़कों का शोल्डर ऐसे होता है, काफी लड़कों का ऐसा होता है, शोल्डर चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी चेस्ट चेक की जाएगी, आपके जो निप्पल हैं, ये कुछ लड़कों के ऐसे होते हैं और कुछ लड़कों के ऊपर साइड ऐसे चेक किया जाएगा, और बॉडी में चेक किया जाएगा इधर कि कहीं आपको सर्जरी वगैरह कहीं स्टिचेस तो नहीं लगे। अगर आपको इस प्रकार स्टिचेस लगे हैं, लगभग दो से तीन से ज्यादा स्टिचेस लगे हैं, तो आपको रेफर पड़ जाएगा। उसके बाद आपकी बॉडी पे टैटू देखा जाएगा, टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी नोकनी देखी जाएगी, अगर इस प्रकार आपकी नोकनी है तो बाहर, अगर इस प्रकार है तो बाहर, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके नोकनी देखने के बाद आपकी टांगों में भी देखा जाएगा, चमड़ी वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं टांके तो कहीं सर्जरी वगैरह तो नहीं है। उसके देखने के बाद आपका फ्लैट फुट होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, देख लीजिए ऐसा होना चाहिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक कैसे करना है, अभी पानी लेना है, पानी पे पैर रखना और जो साफ जगह होगी उधर पांव लगाना है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार बनता है आपका पांव नीचे से तो सही है, अगर इस प्रकार बनता है फुल तो आपको रेफर पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट पार्ट में बात करें तो टेस्टिस की, टेस्टिस ये देखिए, ये नॉर्मल टेस्टिस है ये वाला, अगर आपके टेस्टिस में पानी है, मतलब कि नीचे को हो गए, एक बड़ा एक छोटा है, ऐसे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, काफी लड़कों के पानी हो जाता है और कईयों का बड़ा छोटा होता है, कईयों का एक होता है, नॉर्मल होना चाहिए, दोनों के साइज सेम होने चाहिए और नीचे को नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करें पेनिस की, तो पेनिस में भी आपके दो टेस्ट होंगे, सबसे पहले जहां से आपको बाथरूम आता है वो चेक किया जाएगा, और पीछे चमड़ी जाती है या नहीं जाती है ये चेक किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका बवासीर चेक होगा, अगर आपको बवासीर है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बवासीर भी आपका चेक होगा, बवासीर भी नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल में आपका यही होगा, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का जो मैंने अभी अभी बताई है, यही मेडिकल चेक होगा, एक दो टेस्ट और होंगे, ठीक है, वो इतने ज्यादा नहीं है, जैसे कि आपके बाजू में कहीं चमड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, और ना ही यूरिया टेस्ट, अंदर का टेस्ट बहुत ही कम होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। बाहर से आप फिट रहो और यही होगा। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।